हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन टैरो प्लैनेट चैनल व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो होने वाला है आपके पर्सन की लेट नाइट फीलिंग, उनके थॉट, उनकी इंटेंशन, आपको लेके क्या कुछ चल रहा है आपके पर्सन के मन में, आज हम ये देखने वाले हैं। ओके, सो एक जनरल रीडिंग रहेगी, मैं आपको पहले ही बता दूँ ये पर्सनल रीडिंग बिल्कुल नहीं है, जनरल रीडिंग है तो कलेक्टिव एनर्जीज़ को लेके, यानी सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। तो हो सकता है कि हर एक बात जो इस रीडिंग में बोली जाए आपके सामने आए वो आपकी सिचुएशन से या फिर आपके रिश्ते से या फिर आपके पर्सन की फीलिंग से मैच ना करे, ठीक है? तो कुछ मैच करेगा, कुछ नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, बाकी को इग्नोर करें। अगर आप पर्सनली लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें, यहाँ पे मेरी जो टीम रहेगी वो आपको हेल्प करेगी। पर्सन लिंक के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए लाइक चार्जेस वगैरह वो आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे, ठीक है? और रीडिंग व्यूअर्स, अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स सी यहाँ पे आपके पर्सन के मन में आज रात क्या चल रहा है। आप अपने पर्सन का नाम लीजिए, मनी मन दोहराइए। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूअर जिस पर्सन को लेके इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके मन में क्या कुछ चल रहा है आज रात, वो इनको लेके क्या है उनके मन में, वो क्या छुपा रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनके मन के अंदर भावनाएँ, वो हमें प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएँ, गाइड करें। क्या है उनके मन में एंजल्स, प्लीज़ हमें बताएं, गाइड करें। ओके, ओके, मैजिशियन फर्स्ट कार्ड आता है आपके लिए, टेन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वेंड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल एंड द नाइट ऑफ वेंड्स, ठीक है? एंड बॉटम से हमारे पास एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। तो ये व्यूअर्स अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मेरे पास दो एनर्जीज यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आई हैं, एक है फायर एनर्जी और एक है अर्थ एलिमेंट, ठीक है? तो हो सकता है ये राशियाँ हों आपके पर्सन की, अगर ये राशियाँ नहीं भी हैं अर्थ एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट की, तो समवेयर इन राशियों का प्रभाव या इनके कांटेक्ट में आपके पर्सन आए हुए हैं, ठीक है? सो लेट्स सी, यहाँ पे इन कार्ड्स को मैं क्लेरिफाई कर रही हूँ, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं एनर्जीज के पीछे की क्या वजह है। ओके, क्रिएट मोरालिटी, रिपनेस, अवेयरनेस एंड दी लवर्स। बॉटम से है इनोसेंस, अपसाइड क्या है अंडरस्टैंडिंग। ओके, ओके व्यूअर्स, तो मैं फ़िलहाल आपको फिर भी राशियाँ कुछ यहाँ पे जो आई हैं मेरे पास बता देती हूँ। हमारे पास यहाँ पे जैमिनी राशि काफ़ी स्ट्रांग है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, वृषभ कन्या मकर राशि, लियो यहाँ पे स्ट्रांग नज़र आ रही है मेरे पास जो राशि आई है। इसके अलावा सन साइन या मून साइन के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे मुझे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की भी एनर्जी नज़र आ रही है। तो ये राशि व्यूअर्स आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए हो सकती है, ठीक है? आगे अगर हम कुछ और भी कार्ड्स निकालेंगे तो और भी राशि आ जाएंगी, तो राशियों को लेके आप कंसीडर ना किया करें, राशि मैटर नहीं करती, मैटर करती है एनर्जी, जो बोला गया है क्या वो आपसे मैच करता है या नहीं करता, ठीक है? तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। सो व्यूअर्स, देखो एक चीज़ आपके रिलेशनशिप में वो क्लियर नज़र आ रही है कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो ना, समवेयर ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन हो सकते हैं या फिर अपॉर्चुनिटी के हिसाब से या सिचुएशन के हिसाब से चलने वाले पर्सन हो सकते हैं, ठीक है? तो मुझे व्यूअर्स यहाँ पे सबसे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है सबसे पहले कि आपके रिलेशनशिप में समवेयर आप दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग की बहुत कमी रही है। अंडरस्टैंडिंग में ये नहीं कहूँगी कि दूसरे को फीलिंग में, यहाँ पे समझने में कमी रही है। आप अपने पर्सन को जैसा देखते थे, जैसा आप इनसे एक्सपेक्टेशन लगा के चल रहे थे,
क्योंकि अगर मैं दोनों बॉटम के कार्ड देखूँ ना, ये दोनों ही एक अलग ही एनर्जी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक तरह से अगर मैं देखूँ व्यूवर्स, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसा आप इस पर्सन को देख रहे थे, ये पर्सन इन एक्चुअल इन रियलिटी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ये उन पे मे बी खड़े नहीं उतरे हुए। और इस पर्सन ने, मैंने बोला जैसे कि अपॉर्चुनिटी सीकर हो सकते हैं या सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलने वाले हो सकते हैं, तो समवेयर व्यूवर्स इस पर्सन ने वो रास्ता ज़्यादा पसंद किया जो ईजी हो, जो कम्फर्टेबल हो, जिसमें ज़्यादा अप एंड डाउन्स ना हो। ये जैसे कि रिस्क नहीं लेने वाली एनर्जी है, या कहीं ना कहीं अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल लेने वाली एनर्जी में मुझे आपके पर्सन नज़र आते हैं। ठीक है, ये अपनी लाइफ में किसी भी तरह का कोई भी, मतलब कोई अनवांटेड प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहते। ठीक है, कुछ ऐसा मुझे फर्स्ट वाइब्स में मिला है। और व्यूअर्स, मैं यहाँ पर एक बात और बता दूँ आपको कि आपके रिलेशनशिप में या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, या फिर ये हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में फैमिली ही प्रॉब्लम है। ठीक है, एज अ थर्ड पार्टी यहाँ पे हो सकता है। और जैसे मैरिड पर्सन है तो इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड या इनके बच्चे वगैरह, कुछ ऐसा यहाँ पे मुझे नज़र आता है। अब मैं व्यूअर्स यहाँ पे और भी देखूँ एनर्जीज, तो और एनर्जीज में अगर हम देखें तो ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन ने सबसे पहले ये कह रहे हैं कि समवेयर जैसे कि सिचुएशन होती है ना, उसको वैसे डील कर पाना जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, समवेयर संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, सामने वाले की एक्सपेक्टेशन यानी आपकी एक्सपेक्टेशन समवेयर इस पर्सन से कुछ और थी। आप इस पर्सन से जो एक्सपेक्ट कर रहे थे व्यूअर्स, वो आपके पर्सन करना नहीं चाहते थे, क्योंकि मैंने बोला रिस्क नहीं लेने वाली एनर्जी है। और इनको ये लगा कि बेहतर है कि हम इस तरह के एक्शन को अवॉइड करें। तो समवेयर जब जब आपने इनसे कोई एक्शन करने के लिए इनको इन्फ्लुएंस किया होगा, इनसे बोला होगा कि कम ऑन यार, कि मतलब ये करो, तुम बात कर सकते हो, तुम एक्शन ले सकती हो, या तुम इस कनेक्शन में, तुम्हारा खुद का डिसीजन होना चाहिए, तुम्हें आना है नहीं आना है, वाई तुम इतनी सारी चीज़ों के बारे में क्यों सोच रहे हो इस तरह से। ठीक है, अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो क्या होगा। समय जैसे कि आप इस पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, बट ये जो पर्सन है व्यूअर्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपसे रिलेशनशिप तो रख सकते थे, रखना भी चाहते थे, बट कोई भी सीरियस एक्ट ये पर्सन नहीं करना चाहते। जैसे कि ये किसी और को हार्म करने के बारे में नहीं सोच रहे थे, ये खुद को प्रोटेक्ट करने के बारे में आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर सोच रहे थे मुझे। और व्यूअर्स ऐसा भी नज़र आता है कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप के अंदर आपके पर्सन ने अपनी सिचुएशन का, अपने हालातों का आपको बहुत ही मतलब बहाने से बहुत दिए हैं। ठीक है, और समवेयर व्यूअर्स जैसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बहाने भी बनाए हैं, झूठ भी बोले हैं, और कहीं ना कहीं जो इनको ठीक लगा एज पर साम दाम दंड भेद, जैसा भी आप कहो, इस पर्सन ने इस कनेक्शन में हर वो चीज़ का इस्तेमाल किया, यानी दिल से ज़्यादा यहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल होता हुआ मुझे आपके कनेक्शन में नज़र आता है। फैमिली इश्यूज़ हैं, सोसाइटीज़ इश्यूज़ हैं यहाँ पर आपके कनेक्शन में, और समवेयर कुछ ऐसे एस्पेक्ट जिसको ये पर्सन इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, राइट नाउ अगर हम देखें तो इनके अकॉर्डिंग वो चीज़ें गलत हैं। ठीक है, अब आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हो मुझसे कि जब प्यार किया था या रिश्ता निभा रहे थे तब ये चीज़ें नहीं देखी थी? हाँ, नहीं देखी थी उस समय, नहीं देखी थी उस समय, इस पर्सन को नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन बाद में नज़र आई। बाद में, जैसे कहते हैं ना, बाद में सही भी इनको गलत लगने लगा, गलत भी इनको सही लगने लगा। जस्ट इनका जैसे कि विजडम चेंज हो गया, इनका माइंडसेट चेंज हो गया, और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने जैसे अपनी अपनी जिम्मेदारियों का बहुत बहाना बनाया है, अपने परिवार को लेके बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं, एक्सक्यूजेस रखे हैं कि मैं उनके उनके में भी घर में कोई हेल्थ इश्यूज़ है, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, घर में ये हुआ है, ये होने वाला है, इस तरह से चीज़ें हैं, ये हो जाने दो, ये चीज़ें ओवरकम हो जाने दो, फिर मैं बात करूँगी, फिर मैं बात करूँगा, अभी सिचुएशन क्रिटिकल है, समवेयर घर के हालात अच्छे नहीं है, घर में कोई फंक्शन है, समवेयर मतलब ये सब चीज़ें आपके पर्सन ने आपसे बोली हैं, और आपको कन्वेंस करने की, आपको कहीं ना कहीं जैसे टालने की इस पर्सन ने कोशिश की है। तो ये हो सकता है करेंटली भी आप लोगों की लाइफ में चल रहा हो, क्योंकि ये एनर्जीज में आ रहा है, तो दिखाई दे रहा है कि आपके साथ में ये चीज़ें हो भी रही होंगी, कि ये जो पर्सन है अपनी फैमिली में ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहे हैं, उनके साथ में ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हैं, उनको ज़्यादा वक्त दे रहे हैं, उनके ज़्यादा केयर कर रहे हैं। अगर ये मैरिड पर्सन है तो अपनी फैमिली के ज़्यादा केयर कर रहे हैं, अगर ये आपके साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो समवेयर मतलब कहीं ना कहीं आपके अपोजिट जो लोग हैं
ये उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उनके साथ में ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं एज़ कम्पेयर टू यू। यहाँ पे वो एनर्जी गाइज मुझे नज़र आती है। और मैं यहाँ पे ये भी देखती हूँ व्यूवर्स कि आपके जो पर्सन है वो आपको व्यूवर जानते हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, ठीक है, आप इनके बिना रह नहीं सकते, या फिर कहीं ना कहीं आपकी इस कनेक्शन से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। वी हैव अ लवर्स एनर्जी ऑल्सो जो दिखाती है इस पर्सन को आपकी तरफ। अगर मैं देखूं तो एक फीलिंग आती है, एक स्ट्रॉन्ग जैसे कहते हैं ना इमोशनल अटैचमेंट जो फील होता है कि आपके पर्सन व्यूअर्स इन चीज़ों को जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ में क्या किया है और वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से आपको डील कर रहे हैं, किस तरह से आपको ट्रीट कर रहे हैं। बट वो आपको देख करके ना इस तरह की एनर्जी में, जहाँ पर आप इनसे अभी भी प्यार करते हो या इनसे अभी भी कहीं ना कहीं अटैचमेंट फील करते हो या इनके लिए अपने दिल में आज भी जगह रखते हो, ठीक है, तो ऐसा नज़र आता है जैसे वो उन चीज़ों को जांच रहे हैं, समझ रहे हैं, परख रहे हैं। और मतलब ये देख के वो आपके पर्सन मुझे यहाँ पर शौक नज़र आ रहे हैं कि हाउ कि मैंने आपके साथ में मतलब कितना मैंने आपको इग्नोर किया है, कितना आपके साथ में डिस्टेंस मेंटेन किया है, कितना आपको हर्ट किया है, लेकिन स्टिल ठीक है, आप सब कुछ जानते हो, आपके सामने हर चीज़ ओपन है, आप हर चीज़ को देख चुके हो, समझ चुके हो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, अपनी लाइफ को प्रायोरिटी देते हैं, अपने करियर को प्रायोरिटी देते हैं, हर चीज़ इनकी लाइफ में मुझसे ज़्यादा प्रायोरिटी में है, लेकिन स्टिल आप उस पर्सन से प्यार करते हो, ठीक है। आपके पर्सन आपको झूठ भी बोलते हैं, ये चीज़ें भी आप जानते हो, आपको सब कुछ पता है, ठीक है, इनके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आप सब जानते हो, बट स्टिल आप उनसे प्यार करते हो। ये देख के व्यूअर्स आपके पर्सन मुझे यहाँ पर शौक नज़र आ रहे हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे कोई इंसान इतना सब कुछ करने के बाद में भी, जैसे उन्होंने आपको झटका है अपनी लाइफ से, ठीक है, उन्होंने आपको कोशिश की थी आपको हर्ट करने की, आपको पुश करने की, पुश बैक करने की, आपको भला बुरा भी बोला है, एटीट्यूड ईगो सब दिखाया है इस पर्सन ने, मतलब गुस्से वाला एटीट्यूड दिखाया है और वो हायर लेवल का रहा है, ठीक है, छोटे मोटे लेवल का नहीं है। हो सकता है करंटली भी आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें चल रही हों, क्योंकि हम करंट एनर्जीज को लेके कर रहे हैं, तो नज़र आ रहा व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है ना ये सब चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके दिल में अपने लिए आज जगह देखते हैं आपके पर्सन। जब वो देखते हैं पीछे मुड़ के अपनी लाइफ में तो उनको ये देख के बहुत ज़्यादा हैरत होती है कि यार कोई पर्सन किसी को किस हद तक चाह सकता है या फिर प्यार इंसान को कहाँ से कहाँ लेके आ सकता है, ठीक है। तो उनको ये चीज़ें समझ में आने लगी कि यार मैंने तो इस पर्सन के साथ में कभी भी ट्रू लव नहीं किया या फिर ट्रू लव निभाया नहीं, प्यार सच्चा था तो भी नहीं निभाया, और कहीं ना कहीं अपने कमिटमेंट से मैं पीछे भागी या पीछे भागा, इस पर्सन के साथ में मैंने सही नहीं किया, न्याय नहीं किया, और इस पर्सन के साथ में जैसे कि मैंने हमेशा से एक मतलब गलत तरीके से व्यवहार किया, लेकिन ये पर्सन फिर भी मुझे क्यों प्यार करता है, इसके पास में सब कुछ है। आपके पास में ऐसा नहीं है कि आपके पास में कुछ है नहीं, आपके पास में स्टेबल लाइफ है, आपके पास में मे बी बैकग्राउंड अच्छा हो सकता है, करियर अच्छा हो सकता है, फाइनेंशियली आप थोड़े अच्छे हो सकते हो, यहाँ पे अपना मे बी खुद का बिजनेस कर रहे हो, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन व्यूअर जब देखते हैं ना आपको कि आपके पास में जब सब कुछ है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, तो देन वाई आप इस पर्सन का क्यों इंतज़ार कर रहे हो, और इंतज़ार कर रहे हो ये देख के भी इनको हैरत हो रही है, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये पर्सन है ना आपकी तरफ राइट ना बहुत एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग में भी नज़र आ रहे हैं, और एक बात और कह रहे हैं कि कैन यू फॉरगिव मी, क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हो, क्या आप सब कुछ भुला सकते हो, ठीक है, जैसे कि कहते हैं ना ब्लैंक हो जाना माइंड है ना, वो एनर्जी गाइज मुझे नज़र आ रही है, जैसे कि ये कह रहे हैं कि क्या मैंने जो अपनी फैमिली की वजह से तुम्हें इग्नोर किया, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो, क्या तुम मतलब मेरे दिल अपने दिल में जो मेरे लिए तुमने मे बी समवेयर एक नेगेटिव इमेज मैंने खुद क्रिएट कर ली है, क्या तुम उसे वैनिश कर सकते हो, क्या तुम उसे रफ़ कर सकते हो, मिटा सकते हो, तो या क्या ये पॉसिबल है, क्या हम दोनों का साथ में आना पॉसिबल है, क्योंकि स्टिल आई स्टिल लव यू, आई कैन फील द डिज़ायर, ठीक है। हाँ ये ज़रूर है कि पहले मैंने अपनी डिज़ायर को खुद ही ख़त्म किया था, लेकिन आज मुझे फिर से तुम्हारी तरफ डिज़ायर एक फ़ील हो रही, क्योंकि मुझे तुम्हारी डिज़ायर ही तुम्हारी तरफ खींच के लेके आ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे व्यूअर्स ये देख रही हूँ जैसे कि हो सकता है आपने ही इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है, या टेलीपैथिकली किसी भी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, कोई रेमेडीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई रिचुअल, और कोई रिचुअल नहीं तो दिल की भी पुकार एक पुकार होती है ना, प्यार में दिल भी कोई बहुत बड़ी चीज़ होता है, क्योंकि दिल नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
तो ऐसा नज़र आता है कि जैसे कि समवेयर आपकी वाइब्रेशन इस पर्सन को खींच के लेके वापस से आपकी तरफ आ रही है, और ये पर्सन आना भी चाहते हैं क्योंकि वी हैव अ नाइट ऑफ वेंड्स एनर्जी जो आपकी तरफ एक खिंचाव को, मैग्नेटिक पुल को इस पर्सन की तरफ खींचती हुई मुझे नज़र आती है। तो अगर हम देखें कहीं ना कहीं आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पर एक बात कह रहे हैं आपसे कि हाँ, मेरे लिए तुमसे झूठ बोलना बहुत आसान रहा है क्योंकि झूठ बोलना कंफर्टेबल था एज़ पर कि मैं सच्चाई को फेस करती या फेस करता या फिर तुम्हें रियलिटी बता देती या बता देता, ठीक है। तो बहुत बहाने बनाए हैं, झूठ बोला है, जो भी कुछ किया है, बट उस चीज़ को आज ये एक्सेप्ट भी करते मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके, तो चलो कुछ चैनल मैसेज यहाँ पे ले लेते हैं आपके लिए। सो लेट्स सी आपके लिए और चैनल मैसेज में क्या आ रहा है। यहाँ से भी देखोगे ना तो यहाँ से भी एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी आती है जो कि न्यू स्पार्क, न्यू लाइफ, न्यू बिगनिंग को ही रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पर्सन आपके साथ में यही तो सब चाहते हैं, ठीक है। फिर से उनको डिज़ायर फील हो रही है, बट डिज़ायर तो उनके मन में रही है, बट वो कहीं ना कहीं ये देख के हैरत में है व्यूअर्स कि आपके डिज़ायर में, आपके प्यार में कोई कमी नहीं आई है, ठीक है। ये यहाँ पर सबसे शॉकिंग है उनके लिए। तो लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए मैसेजेस में, ठीक है। आपके पास आपके पर्सन उस समय कह रहे हैं कि मैं, मतलब उस समय रेडी नहीं था आपके लिए या रेडी नहीं थी आपके लिए, जो भी एक्शन आप लेने के लिए बोल रहे थे, ठीक है, ये उन चीज़ों के लिए तैयार नहीं थे। जैसे ये इनका दिल गवाही नहीं दे रहा था या इनका प्रैक्टिकल माइंड इनको मतलब अलाउ नहीं कर रहा था। ओके, आई नो यू आर राइट, मैं जानता हूँ तुम सही थे, बट आई नीड टू कम टू माई ओन कंक्लूज़न, बट मुझे अपने किसी कंक्लूज़न पे आना था, जैसे मुझे अपना डिसीजन खुद से लेना था, मुझे जो सही लग रहा था मैं वही करना चाहती थी या करना चाहता था, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि भाई उनको टाइम चाहिए था, और आप मे बी हो सकता भाई आपके पास टाइम ना हो या ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी हो, पर इस पर्सन ने ज़्यादा टाइम ले लिया हो कोई डिसीजन लेने में। आई हैव थॉट अ लॉट अबाउट यू लेटली, यानी लेट नाइट आपके पर्सन जब इस रीडिंग को आप देख रहे होंगे, और अक्सर वैसे भी रातों में आपके पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं, ठीक है। उनके थॉट में आप चलते रहते हो, आपके बारे में सोचना, आपको फील करना, आपकी इंटेंशन को देखना या इस कनेक्शन की सिचुएशन को देखना, जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच में उन हालातों को देखना, ये सब चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में चलती रहती हैं। ओके, आसान था आपसे दूर जाना, मुश्किल था आपके साथ में रिश्ता निभाना, समझे आप, ये कह रहे हैं आपके पर्सन। उनको जो सही लगा उन्होंने वही किया एज़ पर देयर ओपिनियन या कंक्लूज़न, जो भी आपके पर्सन के हिसाब से कहो। उनको ये लग रहा था कि अगर वो आपके साथ में रहते हैं तो समवेयर वो इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, अपना दिमाग नहीं बना पाए, सिचुएशन वैसी नहीं, बट दूरी बनाना, ठीक है, कमिटमेंट को पूरा करने से अच्छा दूरी बना लो, रन करो, आप चीज़ कर रहे हो वो भाग रहे हैं, यही आपके पर्सन को सही लग रहा था। तो कहीं ना कहीं आपके साथ में व्यूअर्स देखो, जो भी हुआ है ना, ये इस पर्सन की फुल इंटेंशन रही है उसके पीछे। मैं ये नहीं कहूँगी किसी तरह का कोई फियर फैक्टर था, ठीक है, बट इंटेंशनली ये इस पर्सन ने आपके साथ में यहाँ पे किया है, ठीक है। समथिंग इज स्टिल मिसिंग फॉर मी एंड आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट इज़ दैट। कभी कभी इनको लगता है कि कुछ मिसिंग है इनकी लाइफ में, या कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ऐसा है जो इनको फील कराता है कि यू नीड टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन और सम काइंड ऑफ आंसर, सम काइंड ऑफ सिचुएशन। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन थी ऐसी जिसको वो फाइंड आउट करना चाहते थे, या फिर लाइफ में कहीं ना कहीं अभी करंटली क्या मिसिंग चल रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस सिचुएशन में ये उसको देखते हुए नज़र आ रहे हैं। आई एम सॉरी आई कुडंट डू राइट बाई यू, आपके साथ में आपके पर्सन ने अगर कुछ अच्छा नहीं किया, जो भी किया, ठीक है, आपके पर्सन कह रहे हैं कि येस आई एम फीलिंग सॉरी, मुझे काफ़ी रिग्रेट भी हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ में जो किया वो सही तो नहीं था, है ना, उसमें यानी इनजस्टिस तो था, उसमें इक्वालिटी नहीं थी,
उसमें पक्षपात था, ठीक है। तो ये आपके पर्सन आपके से कह रहे हैं, लास्ट मैसेज आपके लिए है, योर वर्ड्स लिंगर इन माई माइंड, आपके कहे हुए कुछ वर्ड्स, कुछ बातें, आपका प्यार, आपका रिश्ता जो भी है, वो हर समय इस पर्सन के माइंड में ट्रिगर करता रहता है, इसको इस पर्सन को भूलने नहीं देता। यानी कि आप एक ऐसे पर्सन बन गए हो जिसको ये चाह के भी ना तो भूल सकते हैं, ना ही उनको अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड करने की कोशिश तो बहुत करते हैं, ये तो है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल पर्सन है भाई, तो संवेद दिमाग से ही चलेंगे, है ना। लेकिन ये भी सच है कि जो प्रैक्टिकल होता है वो सोचता भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं हर एक आस्पेक्ट को देखेगा, विजुलाइज करेगा, और इसी वजह से आपकी हर बात इस पर्सन के साथ में कनेक्ट रहती है। लास्ट मैसेज है, आई नीड मोर टाइम, मुझे और भी समय चाहिए चीज़ों को फिगर आउट करने के लिए, ठीक है। तो यस कहीं ना कहीं बस ये कहा जा सकता है कि आपके पर्सन ने बहुत समय लिया है और ले भी रहे हैं, ठीक है। और इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है कि वाई ये क्विक डिसीजन क्यों नहीं लेते, है ना, क्यों इतना डिले करते हैं कि सामने वाले की जो मतलब ये पेशेंस लेवल है वो भी टूट जाए। कितना धैर्य रखूँ, कितना पेशेंस रखूँ, कितना बर्दाश्त करूँ, कितना लाइफ में टॉलरेट करूँ इस पर्सन को, इसके एक्शन को, इसके बिहेवियर को, इसकी सिचुएशन को, इनके झूठों को, इनकी लाइफ के एक्सक्यूजेस को कितना बर्दाश्त करूँ। तो आप इस पर्सन की इसी तरह के एटीट्यूड से मुझे फेड अप नज़र आते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चल भी रहा होगा, ठीक है। तो ये है आपकी लाइफ में आपके पर्सन की तरफ से करंट फीलिंग और सिचुएशन। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करें और मुझे बताएं कि कितनी रेजोनेट हुई है आपसे। ओके, अगर आप पर्सनलिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनलिंग चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सो बाय, टेक केयर।